नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, तो आज से थोड़ा देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। मैं कल लेकर के आऊँगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर एक वीडियो, ठीक है। और धीरे धीरे करके इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ का पूरे अच्छे तरीके से। ओके, आप लोग बस बने रहो फिजिक्सियम चैनल पर, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बताओ लोगों को, दोस्त बनाओ और फिजिक्स देखते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये चार्ज क्या है, कुछ बात समझना है यहाँ पर। कोई बहुत बड़ा सा आज हम बहुत हैवी बात नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से बात करेंगे, एकदम लोअर लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, तो थोड़ी कहानियाँ हैं इसके पीछे कि लगभग लगभग 600 है ना BC बिफोर क्राइस्ट, 600 BC पहले कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ एक इबोनाइट का रॉड ढूंढा था, ठीक है। एक इबोनाइट रॉड था, और इसको जो है कोई कैट फर वगैरह से इसको हमने रब किया था। किससे रब किया था, कैट फर से रब किया, तो देखा कि इसके अंदर में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई थी कि एक और इबोनाइट रॉड को ये रिपेल कर रहा था। बात समझना है यहाँ पर, एक और इबोनाइट रॉड को हमने, इसको मैंने अगर इसको घस दिया पकड़ के, कैट फर समझ रहे, बिल्ली का खाल, वाह। तो ये ग्लास रॉड टाइप का होता है इबोनाइट का रॉड, तो हमने इसको इससे रब किया पूरा अच्छे से, जस्ट लाइक जैसे ये मान लो कि इबोनाइट का रॉड है और इसको मैंने ऐसे ऐसे रब कर दिया है ना, और उसके बाद कुछ पता नहीं, नहीं दिख रहा होगा इस पर अट्रैक्ट, तो ये रिपेल कर रहा है इसको, सॉरी अट्रैक्ट कर रहा है इसको यहाँ से, ठीक है ना, हल्का हल्का कर रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये एक रुआ यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है, वाह सही में हो रहा है, अच्छा। अरे वो हम लोग करते हैं ना, वो पेन वगैरह से ऐसे करके ऐसे करते हैं, और पेपर वगैरह पे ऐसे करके, है ना। अच्छा मैं दिखा सकता हूँ अगर, है ना, जैसे ये पेज पेज वगैरह है हमारे पास, जस्ट वेट, है ना, हम लोग किए हुए यार ये सब, है ना। तो इस पर करने के बाद ऐसे ऐसे करने से आया आया, दिखा, ये देखो देखो, देखो आ रहा है ना। ये भारी पेपर है इसलिए हो नहीं पा रहा, देखो मैं, हाँ देखो दिखा, ये देखो, है ना, आ रहा है, ये देखो चिपक गया, गिर गया। तो ये जो क्या है इसके अंदर में कि ये एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्जन का, अट्रैक्शन वाली जो कहानी थी और रिपल्जन की कहानी थी वो मैग्नेट्स में होता था, ठीक है। और ये लगभग लगभग 5000 BC ये डिस्कवर हो चुका था, ठीक है, मैग्नीशिया सिटी वगैरह कहानी अपनी जगह पर है। हम लोग जानते थे कि कुछ पोल वगैरह होते हैं, नॉर्थ साउथ, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर कुछ सब्सटेंस थे जिसको फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते थे, है ना, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते थे, यही सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करते थे या फिर मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते थे। अब यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस, या तो कोई कंडक्टर है या एक इंसुलेटर है, उसमें ये थोड़ी देर के लिए स्टैटिकली हल्के से समय के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्जन का प्रॉपर्टी दिख रहा था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक अलग चीज़ है, मैग्नेट नहीं है, कुछ अलग है, इसमें कुछ आ रहा है, तो कुछ क्या आ रहा है, तो उन्होंने कहा चार्ज आ रहा है, दैट्स इट, थ्योरी यहीं से आया। उसके बाद कुछ लोगों ने और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखा, तो
किसी ने एक पर कहा कि भाई एक बॉडी है दूसरे बॉडी में मैंने देखा, तो माना कि इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना। मैंने एक और कोई रॉड लिया, ये मान लो कि प्लास्टिक का रॉड है ना, ये किसका है, प्लास्टिक का रॉड है। एक और मैंने प्लास्टिक का रॉड लिया, ये दोनों भी एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा था, ये भी रिपेल कर रहा था, है ना। ये ऑब्जर्वेशन था, सबसे पहली बार देखा गया, ये प्लास्टिक का रॉड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। जब मैंने प्लास्टिक और इबोनाइट के रॉड को साथ में रखा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर गया। इसका मतलब ये था कि इसमें जो अलग तरह का चार्ज है और ये दोनों सिमिलर चार्ज एक दूसरे को भले ही रिपेल कर रहा था, मगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। बस ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से हमने एक बात के लिए श्योरिटी लिया कि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक नया प्रॉपर्टी है जिसको कि बाद में कहा गया स्टैटिक चार्ज, क्योंकि ये चार्ज रुका हुआ रहता था किसी भी इंसुलेटर पर, कंडक्टर पे रुके हुए नहीं रहेंगे चार्ज, वो आगे मूव कर जाएगा। आगे जाकर के हम लोग इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं सब चीज़ पर। अभी बस यही था हमारे ऊपर, है ना, हमारा एकदम बेसिक सा चार्ज की कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। ओके, पहले देखो इसको, 2 मिनट आते हैं। तो चार्ज का जैसे कि हमने कहानी पढ़ा, तो चार्ज हमने जब बाद में देखा तो दो तीन चीज के बारे में एकदम ध्यान समझना है कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला नंबर में, चार्जेस आर टू टाइप्स, दो तरह के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्जेस, अब बी नंबर में निगेटिव चार्जेस, ठीक है, कोई दिक्कत है। सेकेंड नंबर में सिमिलर चार्जेस, हमने ये सब ऑब्जर्व किया था, सिमिलर चार्जेस क्या करता है, रिपेल ईच अदर, है ना, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये हमने ऑब्जर्व किया था, अभी अभी हम कहानी में हमने बताया था ये सारी चीज़ों के ऊपर। एक और बात था कि लोगों के अंदर में कहानियाँ आई कि भाई क्या है ये चार्ज है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई नहीं थी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवर किया था, ठीक है, कब किया था, 1898 के आसपास में, ऑलमोस्ट आई थिंक 98 या 97 के आसपास में, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं है, अब हुआ है, मतलब लगभग लगभग समझ लो 1900 के आसपास में चार्ज की डिस्कवरी हुई है, BC में, ये हुआ है AD में, मतलब बहुत लंबा गैप है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है अब, तो लोगों को नहीं पता था उस समय तक कि क्या है ये। तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ फ्लूड वगैरह का मूवमेंट फ्लो होता है इधर से, तो फ्लूड से ही एक कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि फ्लूड तो हमें पता था कि इसको मिला दे रहा हूँ, फ्लूड तो हमें पता था कि पानी वगैरह है, तो पानी कैसे फ्लो करता है हमें पता था, है ना, मान लो कि ये माउंटेन वगैरह है ना, नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स कहाँ है, USA, वहाँ से पानी फ्लो कर रहा है ना, ऊपर से कैसे गिरता है, ऊपर से नीचे की तरफ पानी फ्लो करता है ना, ऐसे ऐसे। तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर पे क्या MgH ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पर पोटेंशियल कम, तो बोलते हैं ना पानी जो है हायर लेवल, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है ना। तो उसी तरह से लोगों ने कहा, तीसरा नंबर में, चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये चार्जेस के बारे में जब बात तो करेंगे कोई भी, तो बात याद रखना है कि चार्ज के बारे में जब भी कोई बात करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी मेरा ऐसे बह नहीं जाएगा, कहने का मतलब एक बॉडी है, मान लेते एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है,
है ना, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई चार्ज नहीं है, तो ये इधर से इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, है ना। ये अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे किसी वायर से, आगे जाके इस सब पे डिस्कस करेंगे, अभी तुरंत ही करने वाले हैं, तो ये इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हाई से लो की तरफ ये चार्ज का फ्लो हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसानी से कि ये चार्ज का फ्लो होगा इधर से इधर की तरफ। अच्छा, चार्ज का फ्लो कब तक होगा, पानी का फ्लो कब तक होगा? अगर हम ये देखें इस चीज़ को कि अगर हम मान लेते हैं एक कंटेनर है मेरे पास, है ना, एक और कंटेनर है, और मैंने नीचे से एक ट्यूब लगा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक नॉब लगा दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, यहाँ तक इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, ओके। अब मैंने इसको खोल दिया, नल को मैंने खोल दिया, क्या होगा सोच के देखो, पानी का फ्लो होगा, है ना। तो पानी का फ्लो होगा इधर से इधर की तरफ, तो पानी ऐसे जो फ्लो करते जाएगा, ये क्या हो रहा है, इसको हटा दो, क्या, तो पानी का फ्लो होगा इधर से इधर की तरफ, है ना, इस हाइट से लेकर के इधर की तरफ। तो क्या होगा अगले समय में, क्या होगा कि ये पानी का लेवल नीचे जाएगा और इसका इंक्रीज करेगा, तो पानी का लेवल यहाँ तक मान लेते हैं फैला, इसका यहाँ तक पहुँचा, तो पानी का दोनों में लेवल बराबर हो जाएगा, ओके। हमने प्रेशर में पढ़ा हुआ है जो फ्लूड चैप्टर था, यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। अब यहाँ का प्रेशर है P0, यहाँ का भी प्रेशर P0, तो P0+ρgH, P0+ρgH, तो पानी का फ्लो हर समय सेम लेवल तक ही होगा, यानी कि मान लेते हाइयर भले था इधर नहीं था, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन कब तक, जब तक दोनों का सेम लेवल ना आ जाए, सेम लेवल मतलब सेम पोटेंशियल, है ना। तो क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल अनटिल दे रीच सेम पोटेंशियल, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि चार्ज हर समय फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ जब तक कि सेम पोटेंशियल रीच ना कर जाए। ये कोई गारंटी नहीं कि सेम चार्ज रीच करे, सेम पोटेंशियल, आगे जाके पूरे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इस पर, अभी धीरे धीरे करके समझना है। फोर्थ नंबर पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज होते हैं एडिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब कि अगर कहीं पर हम बोलें कि प्लस में 1 कूलम्ब का चार्ज है, चार्ज को हम लोग यूनिट कूलम्ब बोलते हैं, कहीं पर माइनस में 2 कूलम्ब का चार्ज है, कहीं पर प्लस में 3 कूलम्ब का चार्ज है, कहीं माइनस में 7 कूलम्ब का चार्ज है, कहीं माइनस में 15, प्लस में 15 कूलम्ब का चार्ज है, तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो सिंपली ऐड कर सकते हैं ना, सिंपली, तो नेट चार्ज जो होगा क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, तो जो नेट चार्ज होगा वो हो जाएगा प्लस में 1, माइनस में 2, प्लस में 3, सिंपली साइन ले रहा है जोड़ देना है, प्लस में 15 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से आई थिंक हो जाएगा मेरे पास 1 1 2, 17 में से 7 10 चला गया, तो 10 कूलम्ब चार्ज आ गया प्लस में, है ना, सिंपल। तो चार्जेस इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज को हम लोग आराम से जोड़ घटा सकते हैं। ये सारी बातें आज के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, ये बहुत पुरानी थ्योरी है, जबकि लोग नहीं जानते थे इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, ठीक है। पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आने से क्या चेंज आता है, पहले एकदम अच्छे से इसको कॉपी करो, फिर बात करते हैं। तो 4 नंबर तक लिख लिए थे, 5वें के ऊपर बात करते हैं। चार्जेज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर लाइक अ मास, जैसे मास 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 होता है, क्या होता है मास, वो एक्सेलरेशन का जो विरोध करता है उसी को मास बोलते हैं, मास है क्या ये किसी को नहीं पता, है ना। उसी तरह से चार्ज क्या है, वो किसी बॉडी का खुद का इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वही चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, लाइक अ मास, ठीक है। 6 नंबर में, चार्जेस डज नॉट
डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, है ना, लाइक अ मास। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मास जो होता है किसी भी समय पर, है ना, मास जो होता है वो होता है m0/√1 - v² / c² पढ़े होगे इसको, रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, कि वेलोसिटी के बढ़ने से मास में इंक्रीमेंट होता है, मास बढ़ते चला जाता है। अगर लाइट के स्पीड को अप्रोच करवा देंगे तो मास हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बड़ा नहीं हो जाएगा बॉडी, मास मतलब वो विरोध करना स्टार्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेगा, मेरी वेलोसिटी इन्फिनिटी तक मत लेके जाओ, बोलो लाइट की स्पीड तक मत लेके जाओ, बोलो ऐसा ही कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज के बारे में नहीं ऐसे कुछ बात है, क्यू जो है ये डिपेंड नहीं करता है, q0√1 - v² / c² पे चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, मास डिपेंड करेगा। ओके, तो मतलब लाइट के स्पीड पर भी कोई चार्ज आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम, है ना, इस तरह की चीज़ें चल रही है, कोई दिक्कत। तो चार्ज को लाइट के स्पीड से या भी किसी भी तरह के स्पीड से कोई मतलब नहीं है ना, ये हमने सब ऑब्जर्व करके ये बताया है। 7 नंबर ऊपर बात करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई, अगर चार्ज क्यों होता है, अगर हम अब जबकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हमें अच्छा खासा आइडिया है, अब थोड़े से उसके ऊपर बात करते हैं। तो कोई भी एक एटम के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, जैसे कि सोडियम एटम के ऊपर बात करते हैं, है ना, एटम है कोई सोडियम एटम, Na, 11 नंबर पर होता है क्या, क्या होता है, 1s² 2s² 2p6 और 3s1, एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये हो गया K, ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा M, है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना। उसी तरह से हमारे पास है क्लोरीन एटम Cl, 17 नंबर पे होता है, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p5, इज इट ओके। एक्सटर्नल में यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और इसकी वैलेंसी हो गई 1, है ना, क्या पढ़ा रहे हैं सर केमिस्ट्री, KlM। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट है। ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑक्टेट वगैरह पूरा वगैरह करने कुछ नोटिंग की इन लोगों का। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम वाला, है ना, तो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसको जाके दे देगा, है ना, ये क्लोरीन है और ये सोडियम है, तो सोडियम के पास जो नेट प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हो गए इसके पास 11, बट इलेक्ट्रॉन हो गए 10, क्योंकि 11 नंबर पे सोडियम है, तो हम जानते हैं कि इसके पास प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 10। तो क्या यहाँ पर प्रोटॉन डोमिनेंट कर जाएगा, ये दिमाग में आ रही है ना, प्रोटॉन यहाँ पर डोमिनेंट करेगा, इस कारण से सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर डोमिनेंट कर गया है, इज दैट ओके। तो बेचारे गम हो गया है, क्या हो गया है, गामा, किस बात का गम है भाई, इलेक्ट्रॉन खोद रहा है इसने, है ना, इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया है तो बेचारा गम में आ जाएगा, इज इट ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा आया है, खुशी देखो इसको, भर भर की खुशी होगा, प्रोटॉन इसको मिला है 17, इलेक्ट्रॉन हो चुका 18, इज इट ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन साइंस के पास, तो क्लोरीन पर माइनस चढ़ जाएगा और ये बेचारा हो जाएगा खुश, ऐसे नहीं होता है जी, ये खुश हो गया, यानी कि कोई भी बॉडी पर अगर निगेटिव चार्जेस हैं तो इसका मतलब ये है खुश है, इलेक्ट्रॉन मिला है भाई, है ना, तो ये चार्ज आ रहा है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ये बात समझ आ रहा है, चार्जेस एपियर ऑन एनी बॉडी इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इसीलिए अपियर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन
का ट्रांसफर होता है। ओके चलो कॉपी करो, अब देखना स्टार्ट करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे। ये ऊपर वाला लिख लेना, आई थिंक ऊपर में कट रहा था, ठीक है। चार्जेस आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक अ मास, ठीक है। अगला पॉइंट है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर हम चार्ज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चार्ज है, जिसका मतलब जरूर कहना कि उसके ऊपर मास होगा, मतलब मास मैसिव बॉडी पर ही वो चार्ज हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इतना किलो के मास पे इतना किलो चार्ज रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, मास होना चाहिए, है ना। ये बस एक छोटा मान लो कैरियर है ना, जैसे कि मेरे को बोलना है तो उसके लिए मुंह चाहिए, इज दैट ओके। जस्ट लाइक द मास चाहिए जिस बॉडी पे चार्ज होगा, बॉडी रहेगा तभी तो उस पे चार्ज रहेगा, है ना, ये बात है, ठीक है। चार्ज सॉरी, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास। अगर हम कहेंगे कहीं किसी भी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है। हमको पता है कि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जो मास होता है ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। और अगर मैं कहूं कि एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इतना चार्ज उस पे जिस पे गया वो तो बेचारा खुश, मेरे को आया, इतना इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, और उसको मास भी मिला है, इतना मास मिला है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के जाने से उसको मास का इनकमिंग मिला है, वो और खुश, डबल खुश, चार्ज मिला मास मिला, वो ज़्यादा खुश हुआ, जिससे गया उसका मास भी गया चार्ज भी गया, गम में बेचारा प्लस चार्ज लेकर के, इज इट ओके। देखो किसी पे प्लस रहे तो ज़्यादा खुश मत होना, बेचारा गम में है, इज इट ओके, यहाँ तक समझ आ रहा था। तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा किसी भी बॉडी से किसी बॉडी पर, या फिर कोई बोलेगा चार्ज है उस पर, तो अगर पॉजिटिव है तो समझ में आ जाना चाहिए कि बेचारे गम है। ओके, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू ई, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसी को बोलते हैं, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक सोचो कि मैं कहूँ कि इस बॉडी को मैं चार्ज कर रहा हूँ, मिनिमम क्या करवा सकते, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को तो निकालना ही पड़ेगा तभी तो चार्ज होगा, इससे नीचे का तो कोई बात नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन को तो लेके जाएगा नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो जब भी होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर कोई जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन लेके जाए, तीन इलेक्ट्रॉन लेके जाए, या हज़ार इलेक्ट्रॉन लेके जाए, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन लेके जाए, लेकिन मिनिमम क्या लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गलती से भी जाता है तो वहाँ पर चार्ज अपियर होगा, उसका अमाउंट अगर आप मैग्नीट्यूड के बारे में ऊपर बात करेंगे तो वो इतना होना चाहिए, कोई दिक्कत है। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी में से एन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो 1e चार्ज हो जाएगा उस पर, 1e मतलब 1 × इतना चार्ज हो जाएगा, है ना, अरे उसमें इतना चार्ज जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन गया तो 2 × इतना चार्ज जाएगा, तीन गया तो 3 × इतना, अगर n इलेक्ट्रॉन गया तो n × इतना चार्ज उस पर दिखेगा, है ना। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू एन ई, है ना, दिस इज कॉल्ड वेयर
सॉरी, एन बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर, एन हर समय इंटीजर ही होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्यू नेट होगा किसी बॉडी पर वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई, सिंपल है ना। तो चलो यहां तक कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। तो जो अभी हम सीखे कि क्यू जो है हमारा एन ई के बराबर है, इसका मतलब यही हुआ कि चार्ज है ना ऑन एनी बॉडी कांट बी इन द फॉर्म ऑफ ई बाय टू, थ्री ई बाय सेवन है ना, या फिर थ्री ई बाय टू एटसेट्रा। सॉरी झटका लगा, पता नहीं धमाका था नहीं। ओके, तो चार्ज कभी भी किसी बड़े आधा इलेक्ट्रॉन कभी जाएगा नहीं है ना, थ्री ई बाय सेवन ऐसा होगा नहीं, पौने नौने पौने जो भी बोलते हैं उसको है ना, क्वार्टर वन क्वार्टर थ्री क्वार्टर या थ्री हाफ, वैसा कुछ चार्ज जाएगा नहीं। जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, या सौ इलेक्ट्रॉन जाए, हजार जाए, लाखों लाख जाए, करोड़ मिलियंस ट्रिलियंस जैसे भी जाए वैसे जाएगा, लेकिन एक ने मतलब एक मिलियन और आधा इलेक्ट्रॉन गया ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। इसी बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वैसा ही चार्ज इस पर अपियर होगा, इज इट ओके। बट इसमें थोड़ा आगे कंट्राडिक्शन आ जाता है, वो क्वार्क वगैरह की थ्योरी आ जाती है, तो है आगे जाके बात करेंगे, इज इट ओके। अगला यहाँ पर मैटर है कि रेस्ट और स्टेशनरी चार्ज जेनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इन थ्री डी स्पेस। स्टेशनरी यानी रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ थ्री डी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करता है, इज इट ओके। आगे जाके इस पर पूरी की पूरी हमारा पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस पर बात करेंगे है ना। ये अपने चारों तरफ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है अपने चारों तरफ इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत है। मूविंग चार्ज जेनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड इन थ्री डी स्पेस, ठीक है। अगर कोई ये रुका हुआ चार्ज था इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता। हम लोग क्लास टेन में पढ़े हुए थे कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसमें से अगर तार करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल यूं 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 करके मैग्नेटिक फील्ड बनते थे। अच्छा, वो अगर करंट अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा है क्या, मूविंग चार्ज ही तो है। अरे बस मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा था वहाँ पर, कि मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा, ये अपना प्रॉपर्टी को तो छोड़ेगा नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया, कॉपी करो। फू 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 फू। देखते हैं, अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैथड ऑफ चार्जिंग, हम चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाता है क्या, चलो ठीक है, चार्जिंग, हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, पहला मेथड है हमारे पास बाय रबिंग है ना, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से मैंने रब किया, जो अभी दिखा रहे थे रब किए, दोनों चार्ज हो गया। इससे क्या हुआ कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वगैरह हो गया, बस इतना ही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रबिंग, ठीक है।
एक बॉडी में से दूसरे वाले बॉडी में ट्रांसफर हो गया चार्ज का। तो शुरुआतें मान लेते हैं कि इसका मास है एम ए, दूसरे का मास है एम बी, और इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है ना। इसका भी नेट चार्ज 0 है, इस पर भी नेट चार्ज 0 है। तो हुआ क्या कि इसको इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद है ना, इन दोनों को रब करवाया। यहाँ पर रबिंग हो चुका है, समझना बात को, ठीक है। तो रब होने के बाद इसका मास कुछ एम ए डैश लिख देते हैं, इसका मास कुछ एम बी डैश लिख देते हैं, और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। हम ये कहेंगे कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया है तो बता दो कौन गम में है, आवाज नहीं आ रहा है। अरे पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रॉन, मतलब इस वाले बॉडी से इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, तो ये बेचारा गम में हो गया। ये तो गम में है, गम है, इसको खुशी है। तो खुशी है इसको किस बात का भाई, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन ही लेने की खुशी होता है, मास भी लिया इसने, इलेक्ट्रॉन के साथ तो मास भी आया। इसका मतलब ये बात तो तय है कि एम ए डैश जो होगा अब वो बड़ा होगा एम बी डैश से, और जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएगा है ना, मान लेते हैं एन ई इलेक्ट्रॉन आया इधर से, तो इस पर जो है नेट चार्ज हो जाएगा क्यू नेट हो जाएगा एन ई, और इस पर भी चार्ज कितना हो गया एन ई, लेकिन ये होगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, है ना। प्लस में एनी चार्ज है, इस पर माइनस में एनी चार्ज है, रब किए ये हो गया। ओके चलो कॉपी करो जल्दी जल्दी फटाफट, अगला देखते हैं। सेकेंड देख रहे हैं बाय कंडक्शन, एक बॉडी है ये भी बॉडी है, दोनों अभी न्यूट्रल कंडीशन में है ना, ये भी न्यूट्रल है। हम बहुत सारा पिक्चर बना रहे हैं, हमने क्या किया इसको एक कोई चार्ज रॉड, इबोनाइट का रॉड वगैरह से ही किसी से हमने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है। तो चार्ज कर दिया, इधर हायर पोटेंशियल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी आ जाएगा चार्ज, समझ में आ रही बात। ओके इस पर कोई चार्ज नहीं था, उसके बाद मैंने क्या किया इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तार से, ये कंडक्टिंग वायर है, किसे कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। तो इस पर तो पूरा पूरा का पूरा चार्ज था, तो ये क्या हो गया हायर पोटेंशियल पर आ गया। तो हायर से यहां नहीं है कुछ भी वोल्टेज, चार्ज नहीं है, मतलब पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा चार्ज, कब तक करेगा जब तक कि दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाए, यही बोले थे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर बॉडी अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ओके। तो इस पर जितना भी चार्ज है, इस मान लेते हैं इस पर चार्ज है अभी क्यू, इस पर कुछ नहीं है ना। अब इस पर कितना चार्ज हो गया थोड़ी देर के बाद, इस दोनों का पोटेंशियल मान लेते हैं इस पर चार्ज हो गया क्यू वन, इस पर चार्ज होता है Q2, लेकिन इसका जो वोल्टेज होगा वी ए और इसका जो वोल्टेज होगा वी बी दोनों बराबर होगा, तो वी ए और वी बी बराबर हो जाएगा इसे रोक के। और दूसरा चीज़ होगा कि दोनों का जो सम होगा Q1 और Q2 ये Q के बराबर होगा इसे रोक के। तो जो Q1 और Q2 है क्योंकि उतना ही है, नेट चार्ज Q के बराबर होगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा हर समय कंजर्व्ड रहता है। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो गया है ना, इसके ऊपर हमने तार से अगर हटा दिया तो हमको दिखेगा ये एक बॉडी है ए, ये बी बॉडी है, इसका चार्ज हो गया Q1, इसका चार्ज हो गया Q2, और दोनों का दोनों कसम Q के बराबर होगा। अगर हम एक छोटा सा यहाँ पर नोट लिखें फॉर आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी मतलब कहने का मतलब ये है, एकदम बात समझना, बहुत छोटा सा चीज़ है। अगर मैंने एक कंटेनर लिया है ना, जो भी कंटेनर वाला पिक्चर दिखाए थे, अगर सेम टाइप का ही कंटेनर है और मैंने नॉब लगा दिया, इधर पानी भरा हुआ था यहाँ तक, सेम एकदम आइडेंटिकल शेप का कंटेनर है, तो पानी तो ऑब्वियसली बात है बराबर होगा ही, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे जितना वाटर वॉल्यूम वाटर होगा इसमें, उतना ही वॉल्यूम इसमें भी आ जाएगा, सेम कंटेनर है, सेम लेवल पर भी रहेगा और सेम पानी भी रहेगा, पिछले वाले में नहीं था।
इज इट ओके? तो आइडेंटिकल बॉडी में पोटेंशियल तो सेम होना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन चार्जेस भी सेम हो जाएंगे, Q1 और Q2 भी सेम होगा। और इसका मतलब है कि Q1 और Q2 जो है, जो सेम हुआ है, वो नेट चार्ज को आधा आधा बांट लेगा। ठीक है, एकदम आसान था। अगर आइडेंटिकल शेप का बॉडी है, मतलब दोनों का शेप सेम है, तो जितना चार्ज इधर से उधर, दोनों में बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, कॉपी करो इसको, अगला प्रोसेस पर बात करते हैं। ड्यू टू इंडक्शन, थोड़ा ध्यान से इसको देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक कंटेनर है, मतलब एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, तीसरा बॉडी है, यही बॉडी है सब। मैंने फिर से मतलब एक ही यही दोनों बॉडी, इसके बहुत सारे स्टेजेस दिखाए है ना। ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, मैंने इसको चार्ज कर दिया है ना, जो पिछली बार कर ही रहे थे। तो ये चार्ज हो गया, और इस पर कोई वायर वगैरह नहीं कनेक्ट करेंगे। हमको पता है ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज इसका जीरो है, मतलब कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास जितना है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये ना होगा, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास उतना ही है। अब क्या हुआ, ये प्लस वाला इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्लस है ही, इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, और ये प्लस वाला उसके प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ धकेल दिया, बोला दूर हटो मेरे से। इज इट ओके? यहाँ तक हुआ ही था, ये तो प्लस ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है हम इससे बात करते हैं, वो अपने आप हो रहा है। इतना होने के बाद मैंने इसको यहाँ से अर्थ में डाल दिया, अर्थिंग कर दिया इसको। क्या बोलते इसको, अर्थिंग। अर्थ कर देने से क्या होता है कि अर्थ जो है हैविंग पोटेंशियल, जो वोल्टेज है इसका जीरो मान लेते हैं, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। तो अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो है और ये हाइयर है, तो सारा हाइयर वाला पॉजिटिव वाला हाइयर है, ये सब का सब उधर की तरफ डिप कर जाएगा। इधर ओके? तो ये सारा चार्ज प्लस वाला अर्थ में चला गया, प्लस वाला सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको काट दिया, तो सारा निगेटिव चार्ज इस पर अपीयर हो जाएगा। देखो तो अपने आप चार्ज हुआ, क्यों हुआ इस पर चार्ज, कुछ भी किए बीच में नहीं, इस पर चार्ज दिए थे, उस पर क्यों चार्ज आया, दिमाग लगा दिए कुछ है ना, प्रेरित हो गया है ना। इसके कारण तुम चार्ज हो तो हम भी चार्ज होंगे, तुम खुश हो तो हम गम में आ जाएंगे, पता नहीं क्या, तो सॉरी तुम गम में हो तो हम खुशी में आ जाएंगे, है ना, ऐसे कुछ थ्योरी लगा दिया इसने। इज इट ओके? यही था आज का चार्ज। मिलते हैं नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ में। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं भी स्टार्ट हो जाता हूँ पढ़ाना। ओके, बाय।